बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम थ्री कॉलम केसबुक का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें थ्री कॉलम केसबुक का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, तो किस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने जो अभी तक किया सिंपल कॉलम केसबुक और टू कॉलम केसबुक का किया, आज हम जो है थ्री कॉलम केसबुक का क्वेश्चन करेंगे। तो किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा, इसका किस प्रकार से कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, वो तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब थ्री कॉलम केसबुक बनाते हैं तो आपके पास डिस्काउंट और कैश और बैंक का एक साथ जो है तीनों कॉलम होते हैं। बाकी लगभग जो है जैसे सिंपल कॉलम केसबुक और टू कॉलम केसबुक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, वो सारी बातें यहाँ भी आपने ध्यान रखनी है। तो किस प्रकार से किया जाएगा, पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास दिया है कि प्रिपेयर थ्री कॉलम केसबुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जिसमें थ्री कॉलम केसबुक में आपके पास डिस्काउंट का कॉलम भी होगा, कैश का कॉलम भी होगा और बैंक का कॉलम भी होगा। और 2010 स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, उसके बाद परचेज गुड्स 20,000 की, फिर आपने 6 जनवरी को जो है गुड सोल्ड किया 5,000 का, ओपन ए बैंक अकाउंट 4,000 का, रिसीव फ्रॉम अमित एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 100, पे टू आशीष एंड डिस्काउंट रिसीव आपके पास हुआ 50 रुपीज, पेड सैलरी 1,000, पेड ऑफिस एक्सपेंसिव बाय चेक 100, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज और विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो किस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी, सबसे पहले एंट्री आपके पास जो है वो 2010 की है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो जब आप सबसे पहले डेट लिखेंगे, जब भी आप कभी भी, आप सभी जानते हैं कि जब आप थ्री कॉलम केसबुक बनाएंगे तो आपको कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर थ्री कॉलम केसबुक, लेफ्ट हैंड साइड इसका डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इसका क्रेडिट साइड, पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो, फिर डिस्काउंट अमाउंट इन रुपीज, कैश अमाउंट इन रुपीज, बैंक अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अमाउंट इन रुपीज, कैश और बैंक अमाउंट इन रुपीज। इस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास दिया स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो आप एंट्री करेंगे 2010 जनवरी 1st टू कैपिटल, जितने से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया टू कैपिटल अकाउंट, और ये जो टोटल अमाउंट है वो 50,000 का है, वो कैश के कॉलम में लिख दिया जाएगा 50,000। तो इस प्रकार से आपने 50,000 की एंट्री करी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने जो है वो माल परचेज किया 20,000 का 2010 जनवरी 4th को बाय परचेज अकाउंट, और 20,000 का आपने माल परचेज किया, तो यार रीडिंग आप 20,000। इस प्रकार से आपने 20,000 का जो है वो माल परचेज किया, तो बाय कैश आपने बाय परचेज अकाउंट लिख दिया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने जो है वो 2010 को जो है माल सोल्ड किया कैश में, तो जब आप माल बेचेंगे तो आप एंट्री करेंगे टू सेल अकाउंट 6 जनवरी को टू सेल अकाउंट, और कैश कॉलम में लिख दिया जाएगा 5,000 रुपीज। इस प्रकार से इसकी एंट्री कर दी जाएगी। उसके बाद अगर बात करें आप 10 जनवरी की, तो आपने जो है वो बैंक में पैसा जमा कराया, कैश डिपॉजिट इन टू बैंक। जब भी आप कैश बैंक में जमा कराते हैं तो आप सभी जानते हैं ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, और आप एंट्री करते हैं टू कैश, और टू कैश की आपने 4,000 जो है बैंक में जमा कराया तो 4,000, और इसी प्रकार से आप इस साइड लिखेंगे बाय बैंक, और 4,000 जो है वो कैश कॉलम में जो है वो कैश कम हो जाएगा, और लेजर फोलियो कॉलम में सी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो 10 तारीख को आपने एंट्री करी, उसके बाद 15 को आपने अमित से जो है रिसीव किया, और आपने उसको डिस्काउंट अलाउड किया, तो आपने टू अमित किया, टू अमित से अकाउंट, और कितने का रिसीव किया जी आपने 4,900 का, आपने रिसीव कितने का डाल दी 5,000 का, इसका मतलब है 100 रुपीज आपने उसको डिस्काउंट अलाउड किया। उसके बाद आप 22nd की बात करते हैं, तो आपने सैलरी पे सॉरी 20th की आप बात करते हैं, सबसे पहले कि आपको आपने आशीष को पेमेंट करी, आपने आशीष को पेमेंट करनी थी 3,000 की, परंतु आपने पेमेंट करी जो है वो 2,950 की, तो आप एंट्री करेंगे बाय आशीष अकाउंट, 50 रुपीज जो है आपका डिस्काउंट रिसीव हुआ, और 2,950 जो है आपने आपने कैश में पेमेंट करी। उसके बाद 22nd को आपने सैलरी की पेमेंट करी कैश में, तो 22nd को बाय सैलरी पेड, तो बाय सैलरी अकाउंट, और 1,000 जितने की आपने पेमेंट करी वो अमाउंट लिखा। उसके बाद आपने ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो चेक के द्वारा पेमेंट किए,
25th को जब आपने डायरेक्ट पेमेंट करी तो आपने एंट्री करी बाय ऑफिस एक्सपेंसेस और कितने की दी थी आपने 200 के, तो आपने 200 की एंट्री करी इस प्रकार से। उसके बाद आपने क्या किया जी कि आपने कैश जो है और विड्रॉ किया फॉर ऑफिस यूज के लिए। जब आप कैश निकालते हैं ऑफिस यूज के लिए तो आप सभी जानते हैं कि आपके पास कैश बढ़ा तो आपने एंट्री करी टू बैंक और टू बैंक में कैश कॉलम में 1000 और इधर जो है वो 28th को ही बाय कैश की जाएगी। और आप सभी जानते हैं इससे आपका बैंक बैलेंस कम हुआ तो 1000 जो है ये लिख दिया आपने। फिर आपने बैंक से निकाला फिर पर्सनल यूज के लिए, जब आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो आप सभी जानते हैं बैंक बैलेंस कम होगा परंतु आप एंट्री करेंगे बाय ड्राइंग कम 30th को तो 100 रुपीज। उसके बाद पूरा क्वेश्चन करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इन मोर देन द क्रेडिट साइड, आपने डेबिट साइड का टोटल किया और दैट इज 60900 और इसी प्रकार से इस साइड का टोटल आया 4000 और आमने सामने जो ये लिखा आपने क्या जी 60900 और 4000। इसी प्रकार से आपने डिस्काउंट का कॉलम का टोटल करना है तो जब आप डिस्काउंट का टोटल करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि आप लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो है वो टोटल के कॉलम में लिखा जाएगा डेबिट और डिस्काउंट अलाउड डेबिट जो है 100 रुपीज। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट जो है आपको रिसीव हुआ उसको आप क्रेडिट बोलते हैं तो है कितना हुआ 50 रुपीज। उसके बाद आपने टोटल करने के बाद जब आपने टोटल किया कैश अकाउंट का 60900 में से आपने सारे घटाया यानी कि सारे खर्चे घटाने के बाद सारे के सारे खर्चे घटाने के बाद जो आपके पास बैलेंस आया वो आज 32950। इसी प्रकार से 4000 में से ये सारे खर्चे घटाए 4000 में से 1300 घटाया तो आपके पास आया 2700 और इस प्रकार से जो है ये आपका टोटल जो आपस में मिलेगा और इस प्रकार से आपका 3 कॉलम केसबुक था। अंतर केवल मात्र ये था 2 कॉलम केसबुक में और 3 कॉलम केसबुक में कि उसमें जो है 2 ही कॉलम होते थे, इसमें जो है 3 कॉलम एक साथ होंगे जिसमें डिस्काउंट की एंट्री भी की जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं जब आपके सामने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में भी ये बोलता है कि प्रिपेयर 3 कॉलम केसबुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अप्रैल 2010। कैश का बैलेंस दिया है 500 और बैंक का बैलेंस दिया है 3000। मशीनरी स्टेशनरी आपने परचेज करी 50 रुपीज की, रिसीव फ्रॉम गगन एंड अलाउड इन डिस्काउंट 50 रुपीज पे टू बैंक। उसके बाद कैशियर पे टू थापर एंड डिस्काउंट रिसीव। उसके बाद रिसीव चेक फ्रॉम मनीराम। अगली एंट्री है आपके पास राम चेक डिपॉजिट इन टू बैंक, अगले दिन जमा कराया तो आप सभी जानते हैं। उसके बाद पेड एंड बाय चेक withdraw from bank for office use, receive from dial allowed in discount, withdraw from bank for personal use, draw from bank for the purchase of office furniture। तो किस प्रकार से आप इसकी एंट्री करेंगे लेखा पुस्तकों में आपके सामने क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का भी और बैंक का भी, तो जब 3 कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कॉल डेबिट साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल क्रेडिट साइड। आप सभी जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो होती है ऊपर 3 कॉलम केस बुक, फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाएंगे, पहला कॉलम डेट का, फिर अगला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो, फिर डिस्काउंट अमाउंट इन रुपीज, कैश अमाउंट इन रुपीज, बैंक अमाउंट इन रुपीज, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अमाउंट इन रुपीज, कैश अमाउंट इन रुपीज और बैंक अमाउंट इन रुपीज। उसके बाद सबसे पहले जो है आप सभी जानते हैं कि 2010 अप्रैल 1st को जो आप बैलेंस लिखेंगे जिसके लिए आप एंट्री करेंगे टू बैलेंस ब्रोटाउन और जितना बैलेंस दिया हुआ है कैश का बैलेंस जो है आपको 500 है और इसी प्रकार से बैंक का बैलेंस जो है 3000 है तो उस बैलेंस को लिख दिया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने स्टेशनरी पेड करी और आपने कैश में करी तो 2010 अप्रैल 2nd बाय स्टेशनरी अकाउंट 50 रुपीज जो आपका कैश कम हुआ इस प्रकार से आपने एंट्री करी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने गगन से रिसीव किया, आपने गगन से लेने थे 5000, आपने गगन से लिए 4950, इसका मतलब 50 रुपीज आपने डिस्काउंट अलाउड किया तो जिसकी आपने एंट्री करी 4950 टू गगन और 50 रुपीज डिस्काउंट, तो 50 रुपीज डिस्काउंट की आपने एंट्री करी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 5th के बाद आपने जो है वो कैश जो है वो बैंक से निकाला, सॉरी कैश जो है वो बैंक में जमा कराया, कैश डिपॉजिट इन टू बैंक। जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप सभी जानते हैं कैश कम होता है बैंक का बैलेंस बढ़ता है, तो 8th को आपने करी एंट्री टू कैश और टू कैश में आपने 1000 जो है वो बैंक में जमा कराया। लेजर फोलियो कॉलम में सी शब्द का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से बाय बैंक और आपका कैश कम हो गया 1000
और यहाँ खुले से खुले कॉलम में सी शब्द का प्रयोग, कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद आप सभी जानते हैं 8th के बाद आपने माल सेल किया कैश में, तो गुड्स सोल्ड के कैश में, तो आपने 10th अप्रैल 2000 में टू सेल किया, टू सेल अकाउंट, और कितने किया जी 3000 का, तो जिसके आपने एंट्री करी 3000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 15th को थापर को पेमेंट करनी थी, आपने थापर को पेमेंट करनी थी 4150, आपने पेमेंट करी 4000 की। इसका मतलब है कि आपको जो है वो डिस्काउंट रिसीव हुआ, और आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ 150 का, तो जिसकी आपने डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में एंट्री करी। उसके बाद 20th की बात करें, इससे पहले आपने जो है वो मनीराम से कैश रिसीव किया, 18th को मनीराम से कैश रिसीव किया, तो आपने एंट्री करी टू मनीराम और आपको कैश मिला, तो आपने एंट्री करी 3000। अब मनीराम का चेक जो है आपने जो है वो 20th को जमा कराया, और जब आप बैंक में जमा कराएंगे तो आप सभी जानते हैं इससे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो आपने एंट्री करी 20th को टू कैश अकाउंट, और कितने की करी थी 3000 की, और क्रेडिट सेल भी करी आपने बाय बैंक, और आपका जो है कैश बैलेंस कम हुआ 3000 से, तो इस प्रकार से आपने इसकी एंट्री करी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 21st को रेंट पेड किया चेक के द्वारा, तो आपने एंट्री करी बाय रेंट, और आपने 100 रुपीज किया, तो आपने 100 रुपीज की एंट्री कर दी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 27th को जो है वो फिर बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए, जब आप ऑफिस यूज के लिए निकालेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक 22nd को, और 500 रुपए जो आपके पास कैश बढ़ेगा। इस प्रकार से आपने कैश बढ़ाया, और लेजर पुलिस कॉलम में सी शब्द का प्रयोग, कॉन्ट्रा एंट्री। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इससे बाय कैश करेंगे और इससे बैंक का बैलेंस कम होगा, तो बैंक के कॉलम में पेमेंट साइड लिख देंगे 500, तो इस प्रकार से आपने इसकी एंट्री करी। उसके बाद आपने विड्रो किया, सॉरी आपको ध्यान से रिसीव हुआ, और ध्यान से रिसीव होना था आपको 700 रुपीज, आपको रिसीव हुआ 660, तो आपने रिसीव किया 660, और आपको 40 रुपीज जो है आपने डिस्काउंट अलाउड किया। उसके बाद अगर नेक्स्ट एंट्री की बात करें, तो आपने ड्राइंग जो है वो पर्सनल यूज के लिए निकाला बैंक से, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो आपने एंट्री करी 300 की बाय ड्राइंग अकाउंट। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा, परंतु और इसका पैसा जो आपने बैंक से निकाला मतलब चेक के द्वारा पेमेंट करी, तो आपने एंट्री करी बाय ऑफिस फर्नीचर 200। उसके बाद आपने सारा करने के बाद आपने टोटल किया, सबसे पहले आपने डिस्काउंट का टोटल किया, डिस्काउंट जो आपका अलाउड है उसका टोटल किया, आपने डिस्काउंट अलाउड किया डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड का टोटल सर रुपया 90 रुपीज। फिर आपने जो है वो इसका टोटल किया, टोटल करने के बाद आपने देखा कि साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आया, और वो कितना ज्यादा आया वो आपने टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद 0.1, और इसी प्रकार से आप इसका टोटल करने के बाद 5 + 9 = 14 + 5 = 14 = 6 यस, और उसके बाद जो है 4 + 2 = 6 + 3 = 9 + 3 = 12, तो ये 12,610। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे 12,610, और इसमें से ये सारे खर्चे घटाए आपके पास, आपने जब इसमें से ये सारे खर्चे घटाए 8,050, तो आपके पास आया जी आपके पास 4,560 बैलेंस बचा कैश का। इसी प्रकार से आपने इसका टोटल किया, और इसका टोटल करने के बाद 7,000 इसका टोटल आया, आमने सामने 7,000 किया, और 7,000 में से आप सभी जानते हैं कि आपने 1,100 बताया, तो आपके पास 5,900 जो है वो बैलेंस बचा। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रकार से जो है 3 कॉलम कैश बुक बनाई जाती है, 3 कॉलम कैश बुक बनाते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप ध्यान रखें कि जब भी 3 कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो आपके पास 3 कॉलम होंगे डिस्काउंट कैश और बैंक का, और किस प्रकार से इसकी देखा उसको एंट्री की जाएगी, किस प्रकार से किसका बैलेंस आएगा, बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, यदि बैंक का बैलेंस क्रेडिट है तो बाय बैलेंस प्रोडाउन से प्रारंभ किया जाएगा, टोटल में भी लास्ट में भी बैंक का बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल भी क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, अर्थात डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार से ये था जी आपको क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।